एक्चुअली मैं जो आप लोग को बताने वाला हूँ कि निमसेट के लिए आप लोग क्यों करें, जैसे कि आप कॉलेज में अगर एमसीए अगर करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं कि जो लोकल यूनिवर्सिटी है जैसे कि मगध यूनिवर्सिटी हो गया, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी हो गया, इधर से भी करने के लिए चाह रहे होंगे, और बहुत सारे लोगों की मेहनत के बदौलत, क्योंकि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इंडिया में कि जहाँ पे आपको मेहनत के बदौलत ही एडमिशन मिलेगा, जैसे मैं पूरा एनआईटी हो गया, जो भी एनआईटी कॉलेजेस हैं मैक्सिमम कॉलेजेस एमसीए कराती है। फिर आपका अगर कंप्यूटर साइंस का अगर डिपार्टमेंट देखिएगा तो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू यूनिवर्सिटी, और कुछ जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, नए नए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बिहार में भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गया के पास, तो इस समय क्या है कि प्रोफेसर अच्छे अच्छे, तो आपको क्या होगा कि आप वहां से बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, वहाँ बहुत अच्छे अच्छा रिसर्च है, उन लोगों के पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट होंगे, और प्रोजेक्ट रहेगा तभी आपको काम मिलेगा। तो वहाँ के कुछ लाइफ के बारे में कितना शांति, कैसे लोग काम करते हैं, सपोज कि मैं अभी एनआईटी वारंगल का दिखा रहा हूँ, वहां का कैंपस लाइफ कैसा है उसके बारे में मैं दिखा रहा हूं। देखें कि कहीं पे साइकिल है, कहीं पे स्पोर्ट ग्राउंड है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम दिन भर काम कर रहे हैं तो अपना बॉडी क्या एक दो घंटा के लिए खेल भी सकता है,
तब दिन भर आदमी काम करता है, अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए क्या करता है, स्पोर्ट्स में जाता है, वहां पे क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, मतलब 2-3 घंटा खेला, रात में खेला, फिर गया अपना पढ़ाई किया। वहां पे सारी सुविधा है, आपको ना खाना का टेंशन है ना कुछ है, सिर्फ क्या है पढ़ाई करना है। तो अपने को क्या है कि मेहनत करके वहां पे पहुंचना है, उसके लिए जितना भी मेहनत करना पड़े आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। और मैं IIT में था तो मैं भी दिन भर काम किया, रात में अपना चले गए खेलने, 1-2 घंटा खेले, फिर अपना आए अपना काम किए। वहां पे आपको काम करने पे बोरिंग फील नहीं होगा, पढ़ते जाइए और आपके पास सारे सुविधा है। वहां पे प्रोफेसर है, प्रोफेसर के साथ खेलते रहिए, वहां से आप अपना जो काम है, कोई डाउट्स है वहां पे आप पूछ सकते हैं। तो आप लोग मोटिवेट हम कर रहे हैं कि भाई आप लोग आइए BIMSTEC के लिए, अच्छे से आप लोग लगिए, 100% दीजिए, और कोई भी डाउट हो क्वेश्चन में वो हम है तैयार सॉल्व करने के लिए। जितना भी क्वेश्चन पूछना है आप लेकर आइए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, और आप लोग कम से कम आइए इसका तैयार।